हेलो एंड वेलकम बैक टू द नोमैडिक ओडिसी। बहुत टाइम बाद आया हूँ एंड आई एम कम टू इन पुणे बाइक जोन दैट इज ड्रीम सुजुकी। तो सुजुकी 800 DE, तो ये गाड़ी का अपने को टेस्टिंग भी मिलने वाली है। तो गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी के फीचर बताऊँगा। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। मोड्स मोड्स ठीक है, बैठे बैठे बता देंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बैठ चुके हैं हम लोग गाड़ी पे। नाइस बूटिंग, क्रैंक करते हैं। अरे वाह, काफी स्मूथ है। बाहर निकालने की दिक्कत, ऊपर से ये बंदा आगे आगे इट्स कैम गोज बाय 2MG रोड, तो ट्रैफिक होता ही है यहाँ पे हमेशा। स्टार्ट में तो कभी स्मूथ लग रही है, इंजन में काफ़ी फर्क है। और KTM की आदत होती तो वो जो रैपिड सा एक अग्रेशन होता है वो दिख नहीं रहा है अभी गाड़ी में। आवाज़ भी काफ़ी स्मूथ है। फन फैक्ट, मतलब BMW 850 GS से भी चलाई थी मैंने, बट दिस इंजन फील्स क्वाइट स्मूथ। मतलब बोले तो जैपनीज में इंजन है तो ये बात होनी ही है। ऑलराइट, अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। BMW से स्मूथ लगा पड़ेगा पावर डिलीवरी वाइज। तो फन फैक्ट हियर इज दिस बाइक डज नॉट हैव क्रूज कंट्रोल, सो -1 पॉइंट, बट दैट द प्राइस पॉइंट जिस पे ये गाड़ी मतलब लॉन्च कर रहे हैं इट्स 10 लाख एंड मतलब एक्स शोरूम प्राइस जो कि इंट्रोडक्टरी है, काफ़ी मतलब अच्छी और कॉम्पिटिटिव प्राइस दी है इन लोगों ने। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, मतलब न्यूट्रल इजीली दे पाया हूँ मैं गाड़ी का। बस अभी एक फ्री रास्ता मिल जाए इस चीज़ के लिए रुका हूँ, बिकॉज ऐसे रास्ते पे गाड़ी टेस्ट करना बहुत ही है। और ऊपर से एक सुपर बाइक कैटेगरी में आती है और काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो डर तो वही लगा रहता है कि डैमेज ना कर दूँ। तो अभी ट्राई तो कर रहा हूँ मैं कि मतलब समझ पाऊँ कि फीचर्स कैसे हैं, बट मुझे लगता है कि मतलब की स्टिक्स कुड हैव बीन बेटर। चलो लेते हैं थोड़ा सा पिकअप लेते हैं। अब देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड पे गाड़ी अच्छे से कम सा जो RPM है 2000 के आसपास अच्छे से रह रही है, विच इज अपोजिट टू माई करंट बाइक। ओके, एंड द हैंडलिंग फील्स रियली ग्रेट, रियली मतलब अलग ही किस्म का प्रीमियम टाइप का एक हैंडलिंग है। और मतलब आई एम एबल टू क्रूज इजीली एट लोअर स्पीड्स टू, ये एक अच्छी बात लग रही है। यहाँ पे मैं स्ट्रैडल वगैरह नहीं कर पाऊंगा बिकॉज फ्रेंकली बोलो कि ये गाड़ी में रास्ते पे मतलब जी रोड घूम रहा था तभी दिखी कि आई है तो मैं निकल पड़ा। देर वॉज नो एनी काइंड ऑफ इंटेंशन ऑफ माइंड टू टेस्ट दिस बाइक, बट या लक। चलो एक बार इधर से निकल लें दो, एक क्रॉसिंग से थोड़ा बहुत भगा लेते हैं, क्विक शिफ्टर टेस्ट करते हैं गाड़ी को। डर है सब मतलब स्टार्ट को लग रहा था पर अभी इतना लग नहीं रहा है मुझे। मुझे इसका मतलब कंसोल अच्छा लग रहा है गाड़ी का, काफी सिंपल दिख रहा है, फ्लूइड है, बिल्कुल ही कुछ लैग फील नहीं हो रहा है मुझे। चलो अभी फाइनली मार देते हैं क्विक शिफ्टर। ओके,
यार काफ़ी स्मूथ था एज कम्पेयर टू नॉट एट ऑल क्लंकी। और ये क्विक शिफ्टर भी काफ़ी बाई डायरेक्शनल है। हाँ बराबर स्ट्रेट ना। स्पेक्स आपको स्क्रीन पे दिखती रही जो मैं डाल रहा हूँ मैं मतलब भाई एडिटिंग। और तेरा मतलब मैनेजेबल है। लेट्स प्रेस द ब्रेक। बिल्कुल भी गंदी सी ग्रंट नहीं आ रही है इंजन की। सर्विस इधर ही आना पड़ेगा ना। बट मेरा कैसा है, मैं रैलीज में जाता हूँ ना, मोटोक्रॉस रैली वगैरह में रहता हूँ मैं। तो आप ही अपग्रेड कर रहा था तो वही सोच रहा था कि एक साइड में ड्रॉप तो है। तो चलो गाड़ी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो बेसिकली दिस बाइक इज़ अराउंड 776 सीसी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी अच्छा इंजन मिल रहा है कंपेयर टू द लास्ट द आउटगोइंग बाइक थी उससे बेटर। 4-stroke इंजन, 2-cylinder, लिक्विड कूल्ड और क्या चाहिए। और अगर इसकी टैंक साइज़ के बारे में बात की, फ्यूल टैंक के बारे में, तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड 20 liter। ऑयल कैपेसिटी फॉर द इंजन इज़ 3.9। 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स है और ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस इज 220 mm। और सीट हाइट इज 855। सो ऑलमोस्ट दैट जो कैटेगरी आप बोल सकते हैं नॉर्मल यू नो सुपर एडवेंचर बाइक्स की जो आती है वही सब ठीक ठाक से स्पेक है। और पावर डिलीवरी तो मैंने उस बात करनी ही नहीं है इस बारे में बिकॉज इट्स जैपनीज इंजन्स आर वेल नोन फॉर द अमाउंट ऑफ पावर दे। आप देख रहे हो कि गाड़ी काफ़ी स्मूथ जा रही है, लोअर रेव्स पे भी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। और या क्या बोलूँ, मुझे फील अच्छा आ रहा है। फर्स्ट मई में चला रहा हूँ, 40-41 पे ही चला रहा था। तो या आप सोच सकते हो कि राइड क्वालिटी भी कितनी बेहतरीन है इस बाइक की। सो ये बाइक चलाते वक्त अभी मुझे यही फील आ रहा है कि और क्या क्या प्रीमियमनेस फील होना है इस बाइक में। मतलब अभी इसके पहले भी मैंने आपको केस यू डोंट नो BMW 850 GSA भी चलाई थी मैंने, बट इतना अच्छा रिफाइनमेंट मैंने उसमें भी नहीं पाया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार ट्रैफिक का बहुत मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आता है बिकॉज पुणे में वही है कि देखो अभी ये औरत भी किसी भी, तो वही टेंशन रहता है कि किसी को ठोक ना हुई या गाड़ी को कोई डैमेज ना हो जाए, तो नहीं तो लेने के देने ही पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। तक तो इसका मैंने क्विक शिफ्टर ट्राई नहीं किया है, मैं नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड से पकड़ पा रहा हूँ गोइंग टू द ट्रैफिक। एंड थोड़ी बहुत ब्रेकिंग जितनी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तो फीडबैक भी अच्छा है। और पैरों पे अब तक तो कोई हीट फील नहीं हो रही है इतने मतलब बैक टू बैक ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ तो भी पैरों पे इतना हीट नहीं फील हो रहा है मुझे, जो मुझे हालांकि BMW पे भी फील हुआ था। और मेरी जो KTM है यार वो तो हीट मैग्नेट है, ना पैरों पे हीट मार देती है। बट या स्टिल आई लव दैट बाइक बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है जितने में मैंने लिए इसे। तो फिर बढ़ते हैं आगे एंड अभी फिर से शोरूम की तरफ तो बढ़ रहा हूँ मैं। बट टू सम इट अप आई एम रियली सॉरी कि मतलब मैं पूरी टेस्ट नहीं कर पाऊँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फुल फ्लेश्ड रिव्यू। बट क्या बोल सकते हैं जो मिल रही है। बाय द वे कलर्स के बारे में बता दूँ आप इस बाइक के बारे में, कलर्स मैंने इसके आते हैं चैम्पियन येलो विच इज़ द फ्लैगशिप कलर, उसके बाद में आता है ग्लास मैट मैकेनिकल ग्रे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लास पार्कल ब्लैक। सो तीनों कलर अच्छे हैं बट द बेस्ट इज़ ऑलवेज द येलो। जो फील और ग्लॉस है इस कलर में वो बाकी कलर्स में मुझे इतना लगा नहीं। तो चलो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यार ये ट्रैफिक के वर्क का क्या बोलूँ, मैं पक चुका हूँ ट्रैफिक से। शिट ऑलमोस्ट रीच देयर
बट ऑल इन ऑल अच्छा एक्सपीरियंस है. इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो ऑब्वियसली बागबस्टर्स लाऊंगा बिकॉज द डिफॉल्ट वंस आर नॉट दैट गुड, एंड अगर कोई एक इम्प्रूवमेंट मैं चाहूँ तो दैट वुड बी द कीज. जो जिस प्रकार मतलब कोई क्या बोलते हैं राइड मोड अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो इट्स आई एम नॉट ईजिली एबल टू फाइंड इट आउट. सो अगर वो कुछ फ्रेंडली होता तो इट वुड बी ग्रेट. बट येस 10 लाख इंट्रोडक्टरी प्राइस और क्या चाहिए. सो इसके बारे में फाइनल प्रोडक्ट क्या बोलूँ आपको. मतलब ये गाड़ी पार्क करने के बाद जब मैं निकल आऊँगा दैट टाइम लेट्स डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो दैट वॉट आई फेल्ट अबाउट दिस बाइक एंड वॉट माई वर्डिक्ट इज, वेदर इट इज़ अ गुड गो बाइक, वेदर इट इज़ अ गुड ऑफ रोड एडवेंचर और वेदर दिस इज नॉर्मल एडवेंचर टूर. तो ओके ये बंदा क्या कर रहा है फीचर नहीं कर रहा है. सॉरी दिस इज़ अ वॉइस ओवर बिकॉज माई माइक सक एंड मैं वो कैरी नहीं कर रहा था ऑब्वियसली बिकॉज आई एड नॉट प्लान टू ब्लॉग अबाउट इट. बट या ऑल इन ऑल अ गुड एक्सपीरियंस, अ गुड बाइक, सुपर इंजन, दैट्स वॉट आई फेल्ट. ऑल राइट चलो फिर देखते हैं गाड़ी के बारे में ये वीडियो क्लोज करने के बाद. सो फन फैक्ट, ये वीडियो मैं 2 महीने पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और सम हाउ आई हैड लॉस्ट द फुटेज. मतलब करप्शन हो गया था एंड देन आई लकीली सैट डाउन टू रिकवर द फाइल और रिकवर करने के बाद आई वॉज एबल टू गेट द फुटेज. सो लेट मी सम यू अप कि इसके बाद क्या हुआ था. तो मैं शोरूम पे गया इसके बाद में एंड जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू फर्स्ट या सेकेंड एक्सपीरियंस वेयर आई फेल्ट द बाइक वॉज नाइस और इट वॉज अ सुपर बाइक. सो चलो बात करते हैं. अपना पहली बार एक्सपीरियंस क्या होता है कि बाबा अपन कोई लोकल मैन्युफैक्चरर के पास नहीं गए और अपन पूछ रहे हैं कि बाबा क्या है इन्फॉर्मेशन दे दो. सो टू माई सरप्राइज़ चीज़ें नहीं थी उनके पास. दे डिड नॉट हैव ओके आई कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सेसरीज आने के लिए टाइम लगता है बट फॉलोअप ठीक से नहीं किया गया एंड लिटरली दे वर यू नो जो बंदा भी मेरे साथ पीछे बैठा हुआ था ही हैड लिटरली नो आइडिया. बीच बीच में आपको आवाज़ सुनाया दिया रहेगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं उस बंदे से. सो बहुत सी चीज़ें ऐसे लगी कि यार इट्स लाइक इट्स नॉट स्ट्रीमलाइंड या गाड़ी लेने के बाद यहाँ पे भाई गाड़ी सर्विस ठीक से होगी कि नहीं पता नहीं. बिकॉज द सीन हियर इज़ कि सुजुकी का अगर मैं बात करूँ तो सुजुकी के बिग शोरूम्स आर ओनली मतलब 2 ही है, एक पुणे में है और मुंबई में, जो मेरे पास क्लोज है. सॉरी फॉर व्हाट केम बिहाइंड जेस्चर ये था. सो या तो 2 शोरूम्स है और उसमें भी अगर सर्विस नहीं मिलती होगी तो क्या करूँगा. और उसके बाद मेरा एक था कि मुझे फिर से गाड़ी की टेस्ट राइड चाहिए थी तो आई जस्ट मैसेज्ड ऑन द नंबर विच वॉज बाय द वे फॉरवर्डिंग मी अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स रिगार्डिंग द बाइक बट कोई रिस्पॉन्स नहीं कुछ नहीं. तो देन आई वॉज लाइक कि यार छोड़ो ठीक है बाइक अच्छी है द मशीन इज़ नाइस बट आई डोंट नो वेदर द आफ्टर सेल्स वुड बी गुड बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर पेइंग 10 लाख्स फॉर अ बाइक आई ऑलरेडी एम इन्वेस्टिंग इन अ प्लेस वेयर इट्स मतलब मैं कार भी ले सकता हूँ उसमें और कार लेता हूँ तो भी आफ्टर सेल्स का इट्स नॉट द बेस्ट बट एटलीस्ट दे आर फॉलोइंग अप विद कस्टमर्स. सो दैट्स वॉट आई फेल्ट. अगर बाइक की बात करूँ द बाइक इज़ ऑसम, द ब्रेकिंग पावर इज़ ऑसम एंड वॉट आई फेल्ट एट इज इट्स अ गुड ऑफ रोड मशीन. बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं कर पाओगे बट या अगर आप एडवेंचर टूरर बनना चाहते हो दिस मशीन विल टेक यू प्लेसेज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द रिलायबिलिटी 0.1 यू नो वैल्यू फॉर मनी बिकॉज 10 लाख में आपको ये गाड़ी मिल रही है विच इज़ वेरी क्लोज टू द होंडा ट्रांसएल विच इज़ ऑल्सो बींग लॉन्च्ड. और माइनस पॉइंट्स में अगर मैं बोलूँ तो क्रूज कंट्रोल नहीं दिया बट यू कैन लिव इट इन इंडिया में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. एंड अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन अगर मिलता तो और भी अच्छा मज़ा आ जाता. द फ्रंट सॉक्स ऑब्वियसली. सो या दैट्स माई पिकअप ऑन दिस. और अभी आपके अंदर है कि इफ़ यू लाइक द बाइक ऑब्वियसली यू शुड ट्राई द बाइक इफ इट हिट्स यू. या बाइक लेने चाहती हो तो इफ दैट बाइक मेक्स यू फील समथिंग कनेक्शन और समथिंग बिंदास ले लूँ मैं तो यही बोलूँगा. बट मेरा चॉइस तो यही था बिकॉज आई फेल्ट दैट द आफ्टर सेल्स वुड नॉट बी गुड बिकॉज दे वर एनी वेज नॉट यू नो एंटरटेनिंग मी एंड द अदर कस्टमर दैट वॉज देयर. सो या दैट्स माई लुक ओवर हियर. बट मुंबई का तो मुझे पता नहीं कोई और सर्विस या शोरूम रहेगा तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो बट अ बिग नो नो फ्रॉम माई एंड.
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड अपोलोजीज बिकॉज ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा था बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ बट या होपिंग टू स्टार्ट इट अगैन एंड ऑल राइट सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग अप विद द नोमैडिक ओडिसी लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन प्लीज थैंक यू